हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। तो मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, तो मेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा हीना लगी थी। इससे क्या हुआ ना कि मेरे बाल ढंग से हुए ही नहीं, सीधे हुए ही नहीं अच्छी तरह। लग रहे थे कि जैसे जो पहले के जो हेयर है ना, वैसे ही है। आफ्टर 1 वीक दोबारा से स्मूथनिंग हुई मेरे बालों पर। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। टाइम तो खैर दोनों बार में लगा, 6-7 घंटे लग गए मुझे। और तो मैंने सोचा चलो मुँह पर फेशियल भी करवा लेते हैं। तो फेशियल करवा लिया मैंने। तो जो फेशियल जो कर रही थी ना, उनका जो हाथ है वो इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था जब मसाज कर रही थी मेरे फेस के ऊपर। तो फिर क्या हुआ कि मैं घर पे आई, और घर पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा जलन होने लगी मेरे चेहरे के ऊपर। तो मेरे पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने ठंडा पानी पूरे चेहरे पे अपने डाला, आइस भी बहुत सारी रगड़ी मैंने अपने चेहरे पे, तब जाके थोड़ा सुकून मिला मुझे। लेकिन क्या हुआ ना कि आगे के जो मेरे बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। और अब मुझे नहीं पता है कि सेकेंड टाइम स्मूथनिंग पे भी मेरे बाल सीधे हो पाते हैं कि नहीं। हाँ, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने ना बालों को गीला कर लिया। इतनी ज़्यादा जलन होने लगी ना मेरे चेहरे के ऊपर कि मुझसे रहा ही नहीं गया। बस अब तो बर्फ़ लगानी है तो लगानी है। 1 बजे के करीब मैं गई थी सैलून में, और रात के 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था और टाइम तो लगता है स्मूथनिंग में। तो रात के 9 बजे मैं और मम्मी आए, और आते टाइम हमने ली चाउमीन, क्योंकि चाउमीन है मेरी फेवरेट, और वही खाया। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि रात के 9 बजते बजते मैं सो गई, मैंने खाना भी नहीं खाया। सुबह जब मैं उठी हूँ ना, तब जाके मुझे भूख लगी। इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं करवाते करवाते अपने बालों पे स्मूथनिंग, मुझे नींद ही आ गई। पूरी रात में मैं सोती रह गई। अब बालों पे अब कैसा भी रिजल्ट आए, क्योंकि मेहंदी मेरे बालों में बहुत ज़्यादा है गाइस। अब थर्ड टाइम मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है बालों के ऊपर, और मेरे सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो अब जो भी है, अब यही रहेगा मेरे बालों के ऊपर। 1 महीने पहले मैंने हीना लगा के छोड़ दी थी, और तो भी मेरे बालों से इतना ज़्यादा हीना निकले जा रहा है। गलती ये थी ना कि मैं वीक में 2-2 बार हीना लगा लेती थी। कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं स्मूथनिंग करवा लूँगी, वो तो मैं यहाँ पे आई तो मैंने करवा लिया। हाँ, लगता था कि करवाना है मुझे थोड़ा बहुत, तो बाकी इतना भी नहीं कि हाँ मैं करवा ही लूँगी, बट मैंने करवा लिया। तो अब जैसा भी रिजल्ट आता है सही है, जो भी है। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने खुद मिस्टेक कर ली कि मैंने अपने बालों को गीला कर लिया। 2 दिन तक गीला नहीं करते हैं। और आप मेरे बालों का रिजल्ट देख सकते हो, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कुछ स्मूथनिंग के बारे में और मेरे बालों के बारे में। तो ये बिल्कुल भी हार्ड से नहीं था। अब 2 दिन तक बालों को मुझे खोल के रखना है, और ऑयल नहीं लगाना है 15 दिनों तक, और मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है बालों में। 2 दिन बाद जब हेयर वॉश होगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि जब भी आप पोनीटेल करोगे, या तो जो क्लेचर होते हैं, जो रबड़ होते हैं, वो बहुत लूज लगाना है आपको।